আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে তপশিলি কংগ্রেসের উদ্যোগে তপশিলি জাতিভুক্ত কর্মীদের নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কুমারঘাট কো অপারেটিভ কনফারেন্স হলে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত তপশিলি জাতি কংগ্রেসের সম্পাদক এসপি সিং। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তপশিলি জাতি কংগ্রেসের ঊনকোটি জেলা পর্যবেক্ষক বিজয় দাস, রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জয় দাস সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বরা। সেমিনারে সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে আগামী দিনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি নতুন তপশিলি কমিটি গঠনের জন্য কর্মীদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। সেমিনারে আলোচনা করতে গিয়ে বিজেপি সরকারের সমালোচনা সহ রাজ্যে তপশিলি কংগ্রেসের সংগঠনকে মজবুত করার বিষয়ে ভবিষ্যতে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। देश में बीजेपी ने हाहाकार मचाया हुआ है, एक पूरे देश में डर का माहौल है। इस प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एक पॉलिटिकल टेररिज्म यानी के पॉलिटिकल आतंकवाद का एक कार्यक्रम छेड़ा हुआ है, जिसमें जब भी वो किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को देखते हैं उनकी गाड़ी तोड़ते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उनको चोट लगाते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम में इस प्रकार की जो आतंकवाद है उससे छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस पार्टी में हम संगठन खड़ा कर रहे हैं, और ये संगठन एससी विभाग का संगठन है। इसमें हम हर जिले के जिले से लेके प्रदेश तक और नीचे फिर गांव तक हम कमेटी बनाएंगे, और जो बीजेपी का पाखंडवाद है और जो इसका आतंकवाद है उसको मुकाबला करेंगे, और बीजेपी को आने वाले समय में इस प्रदेश से बाहर भगाएंगे। अभी मैं सारे जिले घूम चुका हूँ, ये लास्ट के दो जिले रहे, इन जिलों को मैं आज कवर कर रहा हूँ, और पूरे जिलों में घूम कर एक ही हम मैसेज दे रहे हैं कि जितना अनुसूचित जाति वर्ग है उसको एकजुट होकर कांग्रेस के साथ आना है, और बीजेपी जैसी जो दलित विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है, उन सबको, उस पार्टी को इस प्रदेश के बाहर करना है।